हे गाइस वेलकम, सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जॉब स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, और सबने पहले थंबनेल में ही पहले देख लिया कि आज हम किसके बारे में बात करने हैं, फिर भी आपको यहाँ पे एक बार और मैं बता देता हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SSC के बारे में। SSC ने दोस्तों अभी हाल ही में 1300 से अधिक पोस्ट में वैकेंसी निकाली। वेरी पोस्ट में 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट के लिए सभी के लिए उन्होंने बहुत सारे पोस्ट में वैकेंसी निकाली है। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में अभी तो मैं बताऊँगा ही कब से उसको स्टार्ट मतलब अप्लाई करना है और क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो में बढ़ने से एक बात पहले, और दोस्तों अगर अभी तक नहीं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड और जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ रिसेंटली आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको हमेशा सरकारी.com को सर्च करना होता है, ठीक है। सरकारी.com को सर्च करने के बाद हमेशा तरह मैं आपको बताता हूँ और हमेशा ही बताऊँगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट वाला लिंक आपको मिलेगा दोस्तों, आपको उसी पे टैप क्लिक करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसे इंटरनेट में वेबसाइट, गूगल में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो इससे मिलती हैं, लेकिन वो वाली नहीं होती, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आपको यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब सेक्शन में आ जाना है, ठीक है। लेटेस्ट जॉब सेक्शन में आने के बाद दोस्तों आपको फर्स्ट में ही पहली वाली लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। SSC सिलेक्शन पोस्ट है ना, एड्स ऑनलाइन फॉर्म 2020। एक बात और बता दो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर मैंने रिसेंटली कल में है ना BIS वेरियस पोस्ट के बारे में कल बताया था, पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर अभी तक नहीं आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर में आई बटन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके विजिट कीजिए वहाँ पर, और इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल है इसमें तो अप्लाई करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है या फिर कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में या फिर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा पर्सनल ईमेल आईडी आपको दिया गया है, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सिंपली आपको ये फर्स्ट वाला लिंक मिलता है, आपको सिंपली उसको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे SSC सिलेक्शन पोस्ट है ना VIII, मतलब इसका होता है एड ऑनलाइन फॉर्म 2020। पोस्ट की गई है दोस्तों 22 फरवरी 2020 को, ठीक है। इसको कल अपलोड कर दिया गया था, लेकिन रिसेंटली आज के डेट में दिखा रहा है 22 को, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC न्यू दिल्ली आर रीजनल ऑफ पैन इंडिया आर रिसेंटली इन्वाइटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सेलेक्शन पोस्ट VI, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर मैं बात करूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है ना, अप्लाई होना स्टार्ट हुआ है 21 फरवरी 2020, यानी कि कल ही है ना, महाशिवरात्रि से ही अप्लाई होना चालू हो गया है। और उसके बाद दोस्तों इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 20 मार्च, है ना, 20 मार्च 2020 को, है ना, 20 मार्च 2020 को शाम तक 5 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फीस में पेमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों इसमें आपको 3 दिन का इंक्रीज डेट मिल जाएगा, यानी कि 3 दिन में इसमें बढ़ोतरी करी गई है, 23 मार्च तक आप इसको फीस पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑफलाइन की अगर हम बात करें है ना, अगर आपने बैंक चालान या फिर पोस्ट के माध्यम से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका है ना पेमेंट करने की लास्ट डेट रखी गई है 25 मार्च 2020 तक के। इसमें आपको 5 दिन का बढ़ोतरी दिखाई दिख जाएगी। और उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम में यहाँ पे चलिए मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए जो आपका CBT टेस्ट एग्ज़ाम होगा है ना, उसका एग्ज़ाम डेट है दोस्तों 10 से 12 जून के बीच में हो जाएंगी, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड वो जून के महीने में है ना फर्स्ट वीक में या फिर सेकेंड हाफ में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो आपको पता ही होगा एप्लीकेशन फ़ी में जो OBC और जनरल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 100 रुपी, और जो ST और SC और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं और साथ ही साथ जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कोई भी फ़ी चार्जेस नहीं लगता, ठीक है। ये हो गई यहाँ पे, और आपको पता ही है कि अगर आप फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट या फिर नेट बैंकिंग या फिर SBI ई चालान ऑफलाइन मोड के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको रिसेंटली और हाल ही में बताया था है ना कि अगर आप टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो वैकेंसी डिटेल में 1300+ आपको 1300 से प्लस पोस्ट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं लेवल एलिजिबिलिटी और एज लिमिटेशन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों एज लिमिटेशन सभी के लिए जो तीनों के लिए निकाली वो कंपलसरी है, मैक्स है ना, मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ईयर एंड पोस्ट वाइज ऑन है ना, देखिए आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो होगी मतलब 1 जनवरी 2020 के तहत आप लोगों की एज काउंटेबल की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं, ठीक है,
चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे मैट्रिक्स लेवल में, तो देखिए इसके लिए एलिजिबिलिटी है 10वीं पास होनी चाहिए आपको, है ना, इंडिया के कोई भी बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट मतलब 10+2 वाले में बात करेंगे, तो आपके देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी में जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा है, साथ ही साथ आप है ना उसके साथ आपको पता ही चल जाता होगा कि 10वीं+ है ना 10+12 के 10+2 12वीं बोर्ड के लिए आप इंडिया के कोई भी मतलब बोर्ड से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में अगर बात करेंगे, तो ग्रेजुएशन में दोस्तों बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, चाहे अगर आप बीए बीएससी बीकॉम बीसीए है ना, अगर जो भी है ना जिन सब्जेक्ट में भी आप ग्रेजुएट हो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों आपकी ये एक क्वेरी रहेगी कि यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट में भर्ती मतलब होनी है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे, तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, पीडीएफ उसके लिए डाउनलोड करना होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं आज पीडीएफ का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि पीडीएफ में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे दोस्तों 103 पेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे जो इन्होंने मतलब एसएससी ने इस ये वाले पोस्ट में डिक्लेयर किए। तो 103 बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, मतलब घंटों लग जाएंगे मेरे को वीडियो बनाने में, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको फिर भी पीडीएफ से रिलेटेड कोई दिक्कत रहेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए दोस्तों सभी का एक क्वेरी रहता है कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम मतलब इसमें एसएससी में अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आप एग्ज़ाम सेंटर दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ है ना आपको कहाँ कहाँ मतलब कौन कौन से रीज़न के लिए कहाँ कहाँ है ना मतलब एग्ज़ाम सेंटर मिलने वाला है, तो यहाँ पर भी कुछ मोटा फैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और आप पीडीएफ का पूरे अच्छे से रीड करेंगे तो वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर आपके रीज़न के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और एक बात और हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत कुछ भी होती, कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, अगर आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक बार इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। फोटो की क्या साइज होनी चाहिए, क्या लेंथ होनी चाहिए, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने आपको बता दिए रहते हैं, क्या क्या मेंशन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। और एक बात और है ना, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। देखिए दोस्तों अगर आप फर्स्ट बार इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, और आपने पहले से ही एसएससी के एग्ज़ाम दिलाया है और रजिस्ट्रेशन हुआ है तो यहाँ पर सिंपली आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कि लास्ट में एंडिंग टाइम में वीडियो में जो बोल रहा हूँ वो थोड़ा फास्ट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा काम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और, वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ, मैंने तो शुरू से बता दिया है कि अगर आप डाउनलोड नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, और मैं तो खैर इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे ही रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाइए विजिट कीजिए और डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करके आप है ना वहाँ से पीडीएफ का लिंक डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और, सबकी एक क्वेरी रहती है कि सर इसमें फिर इसका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस भेजिए, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि जो पीडीएफ है उसी में आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा A to Z। और जो एसएससी का पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि एसएससी का सिलेबस कैसा कैसा रहता है, उसमें सलेक्शन का क्या पूरा प्रोसीजर रहता है। फिर भी आपको एक क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपके मन में जो क्वेरी है, कोई डाउट है तो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।